हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। आज जिस पेपर के मैं आपको मैथ्स के सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, वो पेपर रहेगा पीजीटी हिंदी मेल 23 जुलाई 2018 की। ये शिफ्ट है 9 से 12 वाली। बाकी ये कंप्लीट पीडीएफ है जो आपको नज़र आ रही है, और इस पीडीएफ के लास्ट में मैंने मैथ्स के सॉल्यूशंस भी रखे हैं आज के, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे हैं। बाकी देखो भाई, पीजीटी के एग्ज़ाम जैसे लगभग मतलब होने ही शुरू होने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से आप एक एक क्वेश्चन समझना मैथ्स का। मतलब कुछ नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ आ जाए, एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना। यहाँ से देखो मैथ स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, एलसीएम एचसीएफ से है। क्या कहते हैं कि भाई दो नंबर्स जो कि दोनों तीन तीन डिजिट के हैं, तो उनका एचसीएफ ना उन्हीं के एलसीएम का छठा भाग है, और उन दोनों नंबर्स का एलसीएम आपको दे रखा है 1860। तो कहता है उन दोनों नंबर्स के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल्स का सम क्या होगा, योग क्या होगा। समझते हैं, देखो जैसे कि एलसीएम हमें 1860 दे रखा है, और ये भी बता रखा है कि भाई इसका छठा हिस्सा एचसीएफ है, तो मैंने इसका छठा हिस्सा निकाल लिया, तो छठा हिस्सा क्या मिलेगा 310। तो यानी कि इन नंबर्स का एचसीएफ 310 है। अब जैसे ही हमें एचसीएफ मिल गया, अब आगे का प्रोसेस आपको पता है क्या करने हैं। समझते हैं देखो सॉल्यूशन से। तो देखो भाई, सॉल्यूशन आपके सामने है, HCF 310 आया, तो मैंने एक नंबर 310 ए मान लिया और दूसरा नंबर 310 भी, क्योंकि HCF का काम ही नंबर्स बनाना होता है। और हमेशा की तरह मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ए और बी को प्राइम होते हैं, यानी कि सहभाज्य जो आपस में एक दूसरे को ना काट पाए। HCF के अलावा जैसे कि हमें LCM गिवन है, तो मैंने भी ना इन नंबर्स का LCM निकाला। कैसे निकालना है कि जो कॉमन नंबर होता है भाई उसको तो एक बार ही लिखना होता है, और जो अदर नंबर्स होते हैं उन दोनों को लिखना होता है। 310 ए बी LCM बनना चाहिए, हालांकि वो 1860 दे रखा है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आपको 6 मिल गई। अब बड़ा छोटा सा काम है कि दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हम 6 भी बना सके, और वो दोनों के दोनों नंबर आपस में एक दूसरे को काट भी ना पाए। तो ऐसे पेयर ना देखो, या तो 1:6 होता है, लेकिन 1:6 ना काम नहीं करेगा। उसका कारण क्या है कि जब ए और बी की जगह आप 1 और 6 रखोगे, तो एक नंबर तो आपको मिलेगा 310 × 1, चलो ठीक है भाई तीन डिजिट का नंबर बन रहा है ये, बट दूसरा नंबर आपको मिलेगा 310 × 6, और ये 4 डिजिट का नंबर है, जबकि दोनों नंबर 3 डिजिट के होने चाहिए। तो इसीलिए जो मुझे अगला पेयर मिलेगा ना देखो, वो 2 और 3 मिल रहा है, और ये काम कर जाएगा। ए की जगह जब आप 2 रखोगे और बी की जगह जब आप 3 रखोगे, तो आप समझ पा रहे हो ये दोनों नंबर 3-3 डिजिट के ही बनेंगे। अब नंबर्स हमारे बन चुके हैं, और नंबर्स को देखो मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, इसी फॉर्म में इनका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब इसको पलट दो। तो ऐसे आप लिखोगे देखो इनको, और ऐसे लिखने के बाद सिंपली इनको जोड़ना है। एलसीएम आपको नजर आ ही रहे कि कॉमन 310 एक बार ही आएगा, और इनटू में अदर फैक्टर्स यानी कि 2 × 3 ऊपर। बाकी आप समझ रहे हो कि भाई यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, यहाँ 2 से, तो ऊपर ऐड होकर 5 बन गया। बाकी जैसे मर्जी आप इसको काट पीट लेना, जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो 1/372 मिलेगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई, इसके बाद आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ कहता है बढ़ते हुए क्रम में 3 फ्रैक्शन लिखे गए हैं। मान लेते हैं कि वो 3 फ्रैक्शन ए बी और सी है, और बढ़ते हुए क्रम में अगर आप लिखना चाहते हो, तो मान लो भाई ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा सी है। आगे कहता है कि अगर जो सबसे बड़े फ्रैक्शन को बीच वाले फ्रैक्शन से विभाजित किया जाता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सबसे बड़ा फ्रैक्शन सी है, और अगर हम उसको डिवाइड करते हैं बीच वाले फ्रैक्शन से यानी कि बी से, तो बता रखा है कि हमें 49/45 प्राप्त होता है। अब पहली बात तो आप ये समझो कि ये 49:45 ही है। कहने का मतलब है आपको सी और बी इन दोनों फ्रैक्शंस का रेशियो मिल गया। मान लो अगर आपको सम मिल जाए, योग मिल जाए बी और सी का, तो आप उसको बांट सकते हो इस रेशियो में। वहाँ से आपको बी भी अलग मिल जाएगा, सी भी अलग मिल जाएगा। और थोड़ा सा आगे चलें तो कहता है ये जो 49/45 है, ये सबसे छोटे फ्रैक्शन से यानी कि ए से 22/45 अधिक है। कहने का मतलब है अगर मैं 22/45 जोड़ दूँ सबसे छोटे फ्रैक्शन में, तो मुझे इसका मतलब 49/45 मिलना चाहिए। तो
तो यहाँ से आप कैलकुलेट करते हुए सबसे छोटा फ्रैक्शन निकाल सकते हो, और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तीनों फ्रैक्शन का योग आपको दे रखा है। तो इस योग में से जब आप ए को हटा लोगे तो भाई आपको बी और सी का योग मिल जाएगा, और बी और सी का जब योग मिल ही जाएगा तो हम उसको इस रेशियो में बांट के बी और सी को अलग निकाल सकते हैं। और जब तीनों फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएंगे तो जो मर्जी हम आंसर कर सकते हैं। इसने हमसे पूछा सबसे बड़े और सबसे छोटे फ्रैक्शन के बीच का अंतर क्या है ये बताना है, तो समझते हैं इसको सॉल्यूशन से। देखो भाई, जैसे कि सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है, ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। तीन फ्रैक्शन हैं, ए से बड़ी, बी से बड़ी, सी, और ये चीज़ भी मैंने आप पर डिस्कस की है कि सबसे छोटी फ्रैक्शन में अगर हम 22/45 जोड़ते हैं तो हमें 49/45 मिलना चाहिए। आप सिंपली 22/45 को यहाँ ले आओ और ए की वैल्यू आपको 27/45 या फिर 3/5 मिल जाएगी। अब जैसे कि तीनों को योग देखो इतना दे रखा था, और इसमें से ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 3/5, तो उसी 3/5 को जब आप घटाओगे तो अब आपको ना बी और सी का योग मिल जाएगा। आप इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, और बी और सी का जो आपको फाइनली योग मिलेगा वो 94/63 मिलेगा। इसके बाद क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बी और सी का ना रेशियो भी हमें गिवन है, बस इसी रेशियो में आपको ये सम बांटना है। आपको बहुत अच्छे से बांटना आता है। करना क्या होता है कि दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आप बोलोगे कि भाई 94 यूनिट्स बन रहा है इन दोनों का सम रेशियो में, बट वो है इतना। अब जैसे मैं आपसे पूछूँ कि चलो बताओ एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 94 को यहाँ से हटा दो और यहाँ लाकर इसको उल्टा पलट दो। 1/94 चाहिए मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, क्योंकि सबसे छोटा फ्रैक्शन मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, बस सबसे बड़ा फ्रैक्शन और चाहिए जिसकी मतलब वैल्यू 49 यूनिट्स है। तो 49 यूनिट्स की वैल्यू आपको ऐसे मिल जाएगी। कैलकुलेट आप करोगे तो आपको बहुत आसानी से ना 7/9 मिल रहे हैं। अब सबसे बड़ा फ्रैक्शन 7/9 है और सबसे छोटा फ्रैक्शन 3/5 है, बस दोनों का डिफरेंस पूछा है, आप कैलकुलेट कर लेना 8/45 आंसर होगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो जो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 नज़र आ रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बस आपको ना थोड़ा सा पता क्या होना चाहिए, जैसे आपको देखो ये √20 नज़र आ रहा है, तो असल में √20 को लिखने का जो सही तरीका होता है ना वो होता है आपका 2√5, और वो ऐसे होता है कि आप 20 को ना 4×5 लिख सकते हो, और जैसे कि आपको बताया कि 4 का अंडर रूट तो 2 होता है, तो इसे रूट से बाहर कर दो, बाकी 5 रूट के अंदर रहेगा। फिर से देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे √80 है, आप बोलोगे √80 का मतलब क्या होता है, 16×5, और 16 का अंडर रूट 4 होता है, तो आप 4√5 लिख सकते हो। उसी तरीके से आप √40 को भी लिख सकते हो 2√10, और ऐसा लिखने के बाद क्या करना है देखो मैं सॉल्यूशन से समझाता हूँ। देखो भाई सॉल्यूशन जैसे कि आपके सामने है, तो सबसे पहले स्टेप में ना मैंने इनको ऐसे ही लिखा है जैसे मैंने आपको समझाया है, जैसे √20 को आप 2√5 लिख सकते हो, आप √40 को 2√10 लिख सकते हो, √80 को 4√5। इसके बाद आपको क्या करना है, √10 वाले नंबर आप एक साथ कैलकुलेट करो, ये दो नंबर आपको दिख रहे हैं तो आप लिखोगे 3√10। उसी तरीके से √5 वाले एक साथ सॉल्व करो, तो देखो 2√5 में से जब आप √5 घटाओगे तो √5 मिलेगा, और उसमें से भी जब 4√5 घटाओगे तो आपको मिलेगा 3√5। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 3 कॉमन ले लेना है। 3 कॉमन लेने के बाद क्या होगा कि आपको ना इस तरीके से लिखने को मिलेगा, और 3 इसको 5 बारी में काटेगा। देखो 5 आपको नज़र आ रहा है। अगला जो स्टेप है वो रैशनलाइजेशन है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था सीधा सीधा कैसे हम रैशनलाइज करते हैं कि ये वाली जो फॉर्म है ना इसका उल्टा एक तो ऊपर लिख दो, उल्टे का मतलब है √10 + √5 ऊपर ले जाओ। अच्छा पहले से भी एक √10 + √5 है तो आप बोलोगे स्क्वायर लगा दो। नीचे क्या लिखना होता है, इनके वर्गों का अंतर, जो कि 5 बन रहा है वही 5 से 5 कट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर √10 + √5 का स्क्वायर लिखा है जो कि होता है 15 + 2√50। सिंपली आप a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देना। खैर कुल मिलाकर भाई लेफ्ट हैंड साइड में हमें इतना मिल रहा है और राइट हैंड साइड में हमें ये गिवन था। अब आप करो कंपेयर कि रूट के साथ वाली वैल्यू को आपस में इक्वल करोगे तो √2 से √2 कट गया और b की वैल्यू आपको 10 मिल गई,
बाकी ए की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 15 है। अब हमें क्या करना है, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी यानी कि अंडर रूट ऑफ 25। तो आंसर इस क्वेश्चन का होगा 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 मेंसुरेशन से है। कहता है एक ठोस स्फीयर है, मतलब एक गोला है। आप समझ रहे हो गोला इस तरीके से होता है, लाइक अ बॉल और अ ग्लोब, है ना। तो ये स्फीयर है। अब क्या करना है कि हमें ना इसको पिघलाकर छोटे छोटे डायमीटर के स्फीयर बनाने हैं। कैसे पता चल रहा है छोटे छोटे, तो एक्स बाय 5 उनका डायमीटर होगा जबकि इसका एक्स है। तो कहने का मतलब है कि अब पांचवा हिस्सा रखना है हमें डायमीटर का, या फिर रेडियस को भी आप कह सकते हो, पांचवा हिस्सा रखना है। तो देखो वो छोटा बनेगा इस तरीके से। और इतनी बात भी आप समझ रहे हो कि इसको पिघला कर तो बहुत सारा वॉल्यूम आएगा, तो उस वॉल्यूम से तो भाई ऐसे वाले जो छोटे मतलब स्फेयर है वो बहुत सारे बनेंगे। तो मैंने मान लिया एन बनेंगे। तो दोनों का ना वॉल्यूम इक्वल होता है, और दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करते हुए आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि कितने ऐसे छोटे स्फेयर बनाए जा सकते हैं। इसकी रेडियस को मैंने 5 मान लिया, और क्योंकि 1/5 यहाँ पर इसकी रेडियस होगी तो 1 मान लेते हैं। बाकी अब मैं आपको समझा देता हूँ देखो सॉल्यूशन से, उससे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है कि इस वाले स्फेयर की तुलना में इन सभी के टोटल सरफेसिस एरिया कितना प्रतिशत अधिक होंगे। अब चलते हैं सीधा सॉल्यूशन पर। देखो भाई, जैसे कि सॉल्यूशन आपके सामने है, ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। अब अगर आप एन की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इस बड़े वाले गोले के वॉल्यूम को आप छोटे वाले एक गोले के वॉल्यूम से डिवाइड कर लो। वॉल्यूम जैसे कि आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हालांकि 4/3 पाई देखो दोनों जगह पर ना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए लिखा है, वरना आप r³/r³ लिखो। तो 5×5×5 को जब आप 1×1×1 से डिवाइड करोगे तो टोटल 125 ऐसे छोटे स्फेयर आपको मिलने वाले हैं। अब सबसे पहले देखो इसका हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, और फॉर्मूला होता है 4πr². तो देखो 4π इंटू में r², आप समझ रहे हो 5×5। इन 125 छोटे गोलों का भी आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो 125 मैंने अलग लिख दिया, और एक का निकाल के दिखा दिया आपको कि 4πr² का मतलब 1×1। तो जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 4π से 4π कट गया, और 5×5 25 पाँच बारी में काटते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ना 1 और 5 मिल रहे हैं। अब आपको यही बताना है कितना बड़ा। तो आप देख पा रहे हो कि 1 से 5 हो गया 4/1 पर, आंसर होगा 400%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन का है, और ये थोड़ा सा ना फार्मूला बेस्ड है। जैसे आपको ना ये लेफ्ट हैंड साइड आपको नज़र आ रहा होगा कि 6.4 के साथ 40.96 है। तो 40.96 का मतलब 6.4 का स्क्वायर होता है। तो आप कह सकते हो कि भाई 6.4×6.4 का स्क्वायर, तो 6.4 का क्यूब बन गया। उसी तरीके से आगे आप कैलकुलेट करोगे तो 5.6 का क्यूब हो जाएगा, मतलब कैलकुलेट भी नहीं करना, ये 5.6 का स्क्वायर ही बनेगा, और एक 5.6 यहाँ पर है तो क्यूब बन गया। अच्छा, नीचे आपको नज़र आ रहा है a² - b² जैसे ऊपर a³+b³ है, नीचे a² - b² है, a² - b². अब जब कैलकुलेट हम करेंगे कुछ मिलेगा, देखेंगे सॉल्यूशन के टाइम पर। अब आ जाओ इस तरफ, तो यहाँ आपको देखो ऊपर तो नज़र आ जाना चाहिए a² - b², लेकिन नीचे आपको 0.25 को ना कॉमन लेना होगा, और इसको कैलकुलेट करने पे जो भी वैल्यू आएगी तो आपको बताना है किन के बीच में वो वैल्यू आ रही है। तो सीधा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखो भाई, जैसे कि सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है, और ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ कि ऊपर 6.4 का क्यूब प्लस 5.6 का क्यूब बन रहा है, और नीचे बन रहा है 6.4 का स्क्वायर माइनस 5.6 का स्क्वायर। पता क्या होना चाहिए, a³+b³ का आपको दो फैक्टर्स, पहला फैक्टर a+b होता है, दूसरा फैक्टर a² + b² - ab। नीचे वाले के दो फैक्टर्स a+b a-b, a+b दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, नीचे a-b बचा, a-b आपको नज़र आ रहा है 0.8 होगा। अच्छा, ऊपर जैसे कि a² + b² - ab बचा। अब यहाँ मैंने डिवाइड की जगह एक तो शुरुआत से मल्टीप्लाई लिख लिया, तो जो भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो ना वो आपको ऊपर लिखना है, रेसिप्रोकल करने हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया था 0.25 को कॉमन ले लेना है, और 0.25 कॉमन लेने के बाद एक 0.25 देखो यहाँ से बच रहा है, और ये वाला 0.25 बाहर कॉमन है, तो यहाँ से 19.99।
अच्छा नीचे आप क्या लिखोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी आपको 20.24 मिल रहा है और ए माइनस बी आपको 4 मिल रहे हैं। अच्छा ये जो ब्रैकेट है ना, देखो ये भी 20.24 बना रहा है तो ये तो कैंसिल हो गया। बाकी जो भी है छोटी सी वैल्यू, इसको आप आगे कैलकुलेट कर लेना आराम से। कुल मिलाकर अभी कहानी ये है कि भाई इस पार्ट को कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। 6.4 का स्क्वायर अलग करो, 5.6 का अलग, फिर 6.4 को 5.6 में मल्टीप्लाई भी करना है। तो देखो ये चीज़ भी मैंने आपको ना इस ब्रैकेट में समझा रखी है कि होता क्या है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हमें दिख रहा है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे होता है माइनस टू ए बी, लेकिन मैंने बाहर प्लस ए बी भी लिख दिया तो इसलिए माइनस ए बी ही बचेगा। तो इसी फॉर्म में जब आप लिखोगे इस नंबर को तो आपको ऐसे मिलेगा। अच्छा 6.4 माइनस 5.6 जैसे कि 0.8 का स्क्वायर 0.64 होता है, और आगे देखो इतना है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। फिर यहाँ मैंने क्या किया कि 0.64 को ना कॉमन ले लिया, तो 0.61 कॉमन हो गया तो इसकी जगह 1 बचा। यहाँ आप समझ रहे हो कि ये 10 टाइम्स है 0.64 का, तो 10 × 5.6 56 होता है, तो यहाँ बन गया 57। बाकी ये छोटी सी कैलकुलेशन है, जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे 2.85 मिल जाएगा, और 2.85 जैसे कि 2 और 3 के बीच में आपको मिल रहे हैं। तो उम्मीद है भाई समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो इसके बाद जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नज़र आ रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को उसकी लागत मूल्य से 225 रुपये अधिक में बेचते हुए 20% लाभ प्राप्त करता है। अब आप बड़े ध्यान से समझो, क्रय मूल्य से ऊपर जितने रुपये ऊपर में आप बेच रहे हो तो जाहिर सी बात है भाई वही तो प्रॉफिट होता है, तो ये भी प्रॉफिट ही है, लेकिन परसेंटेज में प्रॉफिट 20 है। तो आप क्या कर सकते हो कि 20% को ना 225 के बराबर लिख सकते हो, और जैसे कि आपको पता है कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 100% की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इंटू 5 कर दो। तो जब आप यहाँ भी इंटू 5 करोगे ना तो 1125 आपको सीपी मिल गया। अच्छा सेलिंग प्राइस भी आप तैयार कर सकते हो। सेलिंग प्राइस कैसे बनते हैं, कॉस्ट प्राइस में बस प्रॉफिट को जोड़ देना होता है, तो जोड़ोगे तो 1350 ये आपका सेलिंग प्राइस बन गया। अब आगे कहता है कि भाई मार्क प्राइस पर चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए वस्तु की बिक्री की जाती है, तो उस वस्तु की लागत मूल्य और चिन्हित मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा। तो सॉल्यूशन से मैं आपको समझा देता हूँ, आधा तो मैंने यही कर दिया। देखो भाई आधा सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब सेलिंग प्राइस मैंने 1350 आपको बना के दिखाया था। अब आगे कहता है कि मार्क प्राइस पर ना 20% का डिस्काउंट दिया था। देखो मार्क प्राइस भी अपने आप में 100% होता है, और अगर 20% आप डिस्काउंट दे रहे हो तो 80% अगर आप मार्क प्राइस का निकालोगे ना वो सेलिंग प्राइस के बराबर होता है जो कि 1350 है। तो बस यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना, ये 80/100 इधर आकर 100/80 हो गया, और मार्क प्राइस आ गया आपका 1687.5। अब हमसे पूछा था कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताओ, तो मार्क प्राइस आपके सामने है, कॉस्ट प्राइस आपके सामने है, दोनों का सिंपली अंतर आप कर सकते हो, तो आंसर आपको 562.50 मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको खुद से कर सकते हो, और नीचे मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है, वहाँ से देख लेना इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो। बाकी यहाँ समझाने वाली एक छोटी सी बात है, देखो सिर्फ इतनी बात आप समझना, जैसे होता क्या है कि भाई हमें पता है कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन अगर हम लगा दें तो अगले नंबर को पलट देते हैं, तो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई लगाऊंगा ना तो आप अगले नंबर को 3/1 लिखोगे, लेकिन आपको ना ये ऑफ नज़र आ रहा होगा। ऑफ का मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई लगाना नहीं होता बल्कि उस पार्ट को पहले कैलकुलेट करना भी होता है, और मान लो आप नहीं हो इसको पहले मतलब कैलकुलेट करने के मूड में, तो आप करो क्या कि जैसे आपने ये पलटा है ना तो साथ साथ इसे भी पलट देना, जैसे 6 × 3 = 18 और 2 = 20/3 होता है, तो आप इसको 3/20 लिख के छोड़ देना। बाकी जैसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इजी है। इसके बाद चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 से जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं तो यहाँ क्या कहते हैं कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं। अब देखो 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5, या फिर आप 60 लड़के लिख लो 40 लड़कियाँ होगी, तो आपको लड़कों का और लड़कियों का जो सबसे छोटा रेशियो मिलेगा वो 3 और 2 मिल जाएगा, और टोटल बच्चे 5 हो गए। एक एक जीरो में और लगा देता हूँ कि टोटल बच्चे 50 हो गए, और उनमें से लड़के 30 है, लड़कियाँ 20 है। 25% लड़के विभिन्न खेल खेलते हैं। देखो
25% जब आप इसका निकालोगे, 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, 30 का जब आप 1/4 निकालोगे तो 7.5 मिल जाएगा। हालांकि डेसिमल से बचना चाहो तो इस डाटा को आप डबल कर सकते हो, बट कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी आसान कैलकुलेशन है। आगे कहता है कि भाई सभी विद्यार्थियों में से 40% विभिन्न खेलों में भाग लेते हैं। टोटल देखो 50 बच्चे हैं और इनका जब आप निकालोगे ना 40% तो आपको 20 मिल जाएगा। तो 20 बच्चों में से देखो 7.5 तो लड़के हैं जो खेल खेलते हैं, तो फिर लड़कियां 12.5 होगी, मतलब 20 - 7.5। और इन्हीं लड़कियों का परसेंटेज निकालना है तो आप 12.5 को देखो, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो 12.5 लड़कियां जो खेल खेलती है वो आउट ऑफ 20 में से खेलती है, परसेंट के लिए 100। जब आप 12.5 के इंटू 5 में करोगे तो 62.5 मिल जाएगा। बाकी नीचे सॉल्यूशन में मैंने सेम चीज़ करके दिखाई है, आप देख लेना। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9th में। कहता है 2 अंकों का एक नंबर है, उसके अंकों का योग का अगर हम 3 गुना करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। बाकी कहता है कि उस नंबर में 45 जोड़ा जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं, और वो जो भी नंबर है भाई उसको 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर बता दो। अब देखो ये, हालांकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया और मैंने आपको समझाया था कि आप ऐसा नंबर याद रखो। ऐसा नंबर होता है 27। देखो 2 और 7 अंकों का योग बन गया, जब इसका 3 गुना आप करोगे तो आपको 27 नजर आ रहे हैं। और अगर मान लो आप इसका कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप मान लो कोई नंबर है XY, जब इसको हम पलटते हैं ना, तो पलटने के बाद बना नंबर और शुरुआती नंबर, इन दोनों के बीच का जो अंतर बनता है वो हमेशा 9 का मल्टीपल बनता है, मतलब वो 9 के पाड़े में जरूर आएगा। अब आप बोलोगे 9 के पाड़े में कितनी बारी में आएगा, तो बिल्कुल उतनी बारी में आएगा जितना डिजिट्स का अंतर है, मतलब इन टू में डिफरेंस, और डिफरेंस किसका, बिटवीन डिजिट्स। तो जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखता हूँ 67, तो इसको पलटने पर आप 76 लिखोगे, तो यहाँ अंतर जो हमें मिलेगा ना वो 9 × 1 मिलेगा। 9 का मल्टीपल तो मिलना तय है, कौन सा मिलेगा, जितना डिजिट्स के बीच में अंतर है, और अंतर एक है। अब इसी का हमें उल्टा समझना है। देखो यहाँ उसने बोला कि 45 जोड़ने पर अंक पलट गए, तो इसका मतलब भाई 45 ही अंतर होगा दोनों नंबर्स के बीच में। और 45 9 के टेबल में कितनी बारी में आते हैं, तो आप बोलोगे 5 बारी में। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो भी नंबर है ना उसके अंकों के बीच का अंतर 5 होगा। अब आप ऐसे नंबर बना के देख लो, बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे, 2-4 ही बनेंगे। पहला नंबर हो सकता है 16, दूसरा नंबर 2 और 5 का अंतर लेना 7, तीसरा नंबर 38 बन सकता है, या फिर लास्ट नंबर 49, इसके बाद तो बनेगा नहीं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी होगा कि भाई 5 का अंतर तो ठीक है, बट 61 भी तो ले सकते थे। तो 61 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 45 जोड़ने पर अंक पलट रहे हैं, मतलब बाद वाला नंबर बड़ा बन रहा है, शुरुआत वाला छोटा नंबर है, और छोटा नंबर वही होता है जिसका दहाई अंक हम छोटा लें, तो इसलिए मैंने दहाई अंक सबका छोटा लिया है। अब आखिरी काम क्या होगा कि आप इस कंडीशन को चेक कर लो कि अंकों के योग का 3 गुना नंबर है या नहीं। तो 1 और 6 7 होता है, 7 का 3 गुना 16 नहीं होता, तो आप चेक कर लेना, मतलब सिर्फ यही नंबर मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब जैसे भी है, मतलब नंबर 27 है, 11 से इसको डिवाइड करना है, 11 × 2 = 22 और शेषफल होगा 5, तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10th टाइम एंड डिस्टेंस से है, और आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको रिलेटिव स्पीड पता होनी चाहिए क्या होती है। कहता है ए और बी नामक दो स्थान एक दूसरे से 144 किलोमीटर की दूरी पर है, और दो गाड़ियां खड़ी है, एक तो ए पर एक बी पर। अगर जो वो दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में चले तो दोनों गाड़ियां 12 घंटे में मिलती है। अगर जो वो दोनों गाड़ियां आमने सामने चले एक दूसरे के तो इतने टाइम में मिलती है। तो उनमें से जो गाड़ी तेज चल रही है ना उसकी स्पीड आपको निकालनी है। तो सीधा इसको देखो सॉल्यूशन के थ्रू समझेंगे। देखो भाई जैसे कि सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 144 किलोमीटर है, और यहाँ एक कार मान लेते हैं इसकी स्पीड C1 है, और जो दूसरी कार खड़ी है यहाँ पर उसकी स्पीड C2 है। तो पहली कंडीशन में ना दोनों को सेम डायरेक्शन में चलाना है, तो मैंने मान लिया कि दोनों भाई ऐसे चलेगी, C1 ओवरटेक करेगी C2 को। तो यहाँ पर C1 फास्टर कार है, आपको ये समझना है, तेज चलने वाली कार यहाँ पर C1 है। दूसरी कंडीशन है कि दोनों कारें आमने सामने हो,
अब देखो रिलेटिव स्पीड में आपको पता है सिर्फ इतनी सी बात होनी चाहिए कि भाई अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो कोई भी डिस्टेंस वो कवर करेंगे ना तो अपनी स्पीड के डिफरेंस से करेंगे, मतलब C1 माइनस C2 से करेंगे। और 144 का डिस्टेंस उन्होंने इस स्पीड से कवर किया 12 घंटे में। जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो C1 माइनस C2 आपको ना 12 मिल जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड कंडीशन आमने सामने वाली है, आमने सामने वाले केस में स्पीड्स ऐड हो जाती है तो 144 किलोमीटर का डिस्टेंस C1 प्लस C2 स्पीड से कवर होगा और वो इतने टाइम में हुआ है। तो उसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे 9 से कटाइए 16 बारी और 16 गुना 8 128 होता है। तो दो इक्वेशन आपको यहाँ से मिल रही है और मैंने पहले भी कई बार आपको ये चीज़ें समझाई है कि अगर हम बड़े नंबर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दोनों इक्वेशंस को जोड़ के आधा कर ले बस। तो वही काम मैंने यहाँ किया और तेज चलने वाली कार की स्पीड 70 आ रही है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। कहता है स्प्रिट और पानी के मिश्रण में पानी की तुलना में स्प्रिट का अनुपात 2:3 है, मतलब स्प्रिट और पानी का अनुपात दे रखा है 2:3। कहता है कि अगर 8 लीटर तो हम स्प्रिट मिला लें, 2 लीटर पानी मिला लें तो सीधी सी बात है उनकी मात्राएं बदल जाएगी तो अनुपात भी बदलेगा, इतना अनुपात हो जाता है। तो अंतिम मिश्रण में बिल्कुल लास्ट में टोटल मात्रा क्या है वो आपको बतानी है। समझते हैं देखो सॉल्यूशन के थ्रू। देखो भाई जैसे कि सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा है स्प्रिट और वाटर का रेशियो 2:3 दिया गया था, मैंने 2x और 3x मान लिया और टोटल मात्रा शुरुआत वाली 5x होगी। अब जैसे कि कहते हैं भाई 8 लीटर तो स्प्रिट मिलाया तो हमने 2x में मिला दिया 8, 2 लीटर पानी मिलाया तो पानी 3x था 2 मिला दिया और अब ये रेशियो हो जाता है। तो आप इसको बहुत आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व कर लेना और आपको ना 5x की वैल्यू 90 मिल जाएगी। और शुरुआत में भी देखो टोटल मात्रा 5x थी तो x की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, शुरुआत वाली मात्रा अगर मिल गई तो अब आपको बस ये देखना है कि हमने शुरुआत में कितना कितना मिलाया था। तो 8 तो देखो हमने स्प्रिट मिलाया था, 2 पानी तो यानी 10 लीटर मिलाया था, बस 10 आप जोड़ दो तो फाइनल जो मात्रा होगी वो 100 होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, 3 पाइप ए बी और सी है और एक खाली टंकी को ना इतने इतने टाइम में वो भर सकते हैं। कहता है पाइप ए को हमेशा खुला रखा जाता है जबकि बी और सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोलते हैं, मतलब पहले घंटे ए और बी काम करेंगे, दूसरे घंटे ए और सी, फिर ए और बी, फिर ए और सी, इसी तरीके से चलता चलेगा काम। तो आपको बताना है कितने समय में टंकी को पूरा भरा जा सकता है। समझते हैं सॉल्यूशन से। देखो भाई जैसे कि आपको पता है सबसे पहला काम LCM लेना होता है जिससे हमें इस टंकी की टोटल कैपेसिटी पता चल जाए। तो LCM इनका होगा 120। अगला काम होता है इन पाइपों की क्षमता, पाइप ए एक घंटे में 6 भर सकता है, पाइप बी एक घंटे में 4 और पाइप सी एक घंटे में 3। अब जैसे कि यहाँ पर ना हमेशा क्या होगा कि ए घंटे तो ए और बी काम करेंगे, अगले घंटे ए और सी, फिर ए और बी, फिर ए और सी, तो हम बार बार ही तो मतलब नहीं लिखेंगे इन चीज़ों को, चीज़ें रिपीट होने से पहले तक की चीज़ें हम लिखेंगे, मतलब एक साइकिल हम बनाएंगे। वो साइकिल देखो 2 घंटे की बन रही है और हम कह सकते हैं कि भाई हर 2 घंटे में ना 19 काम होगा, ए और बी का काम 10 है, ए और सी का 9 है। अब 120 आपको काम कराना है तो 19 का ना टेबल इस तरीके से पढ़ना है कि 120 के नियरेस्ट कोई मल्टीपल मिल जाए। 19 × 6 होता है 114, मतलब हम इस साइकिल को 6 बार ही दोहरा सकते हैं। तो 6 × 12 और 19 × 6 = 114 कि मतलब 12 घंटों में 114 पानी भरा जा चुका होगा। अभी 6 पानी और भरने हैं, बाकी देखो एक नई साइकिल की अब शुरुआत है और नई साइकिल की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां से शुरुआत होती है, यानी ए और बी की बारी है। अब दूसरी बात क्या है कि जो काम हमें कराना है ना वो तो मात्र 6 ही है और क्षमता इनकी 10 है, तो कितना टाइम लगेगा देखो वो कैसे पता लगाना है कि जो भी काम कराना है उसको सिंपली आप क्षमता से डिवाइड कर दो। तो 6 काम होने में ना देखो 6/10 या 3/5 आप कह सकते हो टाइम लगेगा, टोटल आप करोगे तो आंसर होगा 12 सहित 3/5 घंटे। चलते हैं बाकी अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई इसके बाद जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 नज़र आ रहा है, LCM HCF का दूसरा क्वेश्चन है इस पेपर में। ये कहता है मान लेते हैं कि भाई x 5 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन सब से अगर विभाजित हो तो इतना इतना ना शेषफल छोड़े। अब वो जो भी नंबर आप तैयार करते हो बस उसको 111 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर पता लगाना है।
तो एक चीज़ आपको देखो पता होगी, पता होनी चाहिए, वो ये है कि जब भी भाई ये अलग अलग रिमाइंडर बचते हैं ना, तो आपको इनका ना अंतर करना होता है डिवाइजर्स के साथ, और वो अंतर हमेशा सेम बनेगा। जैसे आप देख पा रहे हो 8-5 3, 12-9 ये भी 3, ऐसे ही वो अंतर 3 बनता चलेगा। इस 3 को बिल्कुल लास्ट में आपको माइनस करना है। हालांकि उससे पहले काम क्या करोगे आप कि नंबर बनाओगे 5 डिजिट का, बड़े से बड़ा जो इन सब से डिविजिबल हो। अब इन सब को एक एक करके नहीं देखेंगे, इन सब की कहानी ख़त्म करेगा इनका एलसीएम जो कि 120 होगा। तो 120 डिवाइड करेगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, और आप डिवाइड जब करोगे ना इसको, तो लास्ट में क्या होगा कि आपका 39 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर आप 39 इसमें से माइनस करोगे और आप कहोगे कि भाई 5 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है जो 120 से या इन सब से डिवाइड हो सकता है वो इतना है, लेकिन डिवाइड तो पूरा होना नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया था 3 लास्ट में घटाने हैं, तो 3 घटाने पर नंबर आपको मिलेगा 999 57। और इसी नंबर को ना आप सिंपली अब 111 से डिवाइड करोगे, और 111 से आपको नज़र आ ही रहा होगा कि आप अगर पढ़ते हो 900 बारी तो 999 00 मिल जाएगा, तो 57 बचेगा, शेषफल 57 इसका आंसर होगा। चलते हैं बाकी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 CISI का क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। यहाँ कहता है कि भाई 20,480 रुपये की कोई राशि 3.5 वर्षों में साधारण ब्याज पर इतने रुपये हो जाती है, मतलब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, कहने का मतलब मूलधन और मिश्रित धन। अगर हम इन दोनों का अंतर कर लें तो आप कहोगे कि वो साधारण ब्याज होगा, कितने साल का, इतने साल का। फिर वहाँ से हम 1 साल का निकाल सकते हैं ब्याज, और 1 साल का साधारण ब्याज जब हमारे पास आ जाएगा तो उसी 1 साल के साधारण ब्याज को आप डिवाइड करोगे प्रिंसिपल से और परसेंट के लिए into 100। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जब मिल जाएगा तो आपको इसी राशि को 20,480 को क्या करना है, CI पर जमा करना है, और ब्याज जो आएगा ना देखो वो 5 महीने हेतु संयोजित किया जा रहा है, मतलब हर 5-5 महीने बाद आएगा, और इतने टाइम में टोटल कितना ये पैसा हो जाएगा। तो देखो बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया, बाकी सॉल्यूशन से समझते हैं। देखो भाई जैसे कि सॉल्यूशन आपके सामने है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि 3.5 साल का SI मिश्र धन माइनस मूलधन से निकलेगा जो कि इतना है। 3.5 को आप 7/2 भी लिख सकते हो, और अगर आपको 1 साल का SI चाहिए तो 7/2 उधर आकर ना 2/7 हो जाएगा। कैलकुलेट आप करोगे 1 साल का साधारण ब्याज इतना मिल जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था 1 साल का साधारण ब्याज बटे में प्रिंसिपल into 100, तो कुल मिलाकर भाई 15% आपको मिल रही है यहाँ पर ब्याज की दर। अब आगे समझना है, कहते हैं कि 5 महीने दर से। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो हमें पता है कि भाई जो टाइम है ना वो 1/4 था, जिसको आप लिख सकते हो 1 साल तो पूरा, और अगले साल का 1/4 यानी कि 12 महीने का 1/4, आप समझ पा रहे हो 3 महीने, तो 12 महीने और 3 महीने, तो इसका मतलब था 15 महीने से। अब 15 महीने में 5-5 महीने में अगर ब्याज आ रहा है, तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टोटल 3 बारी ब्याज आएगा। दूसरी बात ये है कि इन 3 बारी में जो ब्याज आएगा वो किस दर से आएगा, तो 15% जो ऊपर आपने दर निकाली है ना वो तो वार्षिक है, मतलब 12 महीने की है। आप 12 से डिवाइड कर लो, 1 महीने की आ गई, और आपको चाहिए 5 महीने की, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इस दर से 3 बारी ब्याज आने वाला है। बाकी इसके बाद देखो 6.25% की ना आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, और इसकी फ्रैक्शन होती है 1/16। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में ना सेम रेशियो बनता है CI में, 16 और 17 बनता चलेगा 3 बारी, तो इसलिए मैंने क्यूब लगा दिया। अच्छा 16 का क्यूब 4096 आपको बिल्कुल याद होगा, 17 का क्यूब 4913, कि मतलब 4096 रुपये 3 बारी ब्याज के बाद इतने बन जाएंगे। हालांकि प्रिंसिपल इतना है 4096 का 5 गुना, तो ये पैसा भी 4913 का 5 गुना बन जाएगा, जिसका आंसर होगा 24,565। तो उम्मीद है भाई ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, बाकी चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखो भाई इसके बाद अब कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। टोटल 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और हर एक डाटा पे 2-2 क्वेश्चन है। तो पहले 2 क्वेश्चन के लिए डाटा आपके सामने है, पहले भी मैंने आपको कई बार समझाया ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है। देखो
वैसे तो हमें टोटल छात्रों की ना कुल संख्या दे रखी है 21,400, बट इसका कोई काम नहीं रहेगा क्योंकि ज़रूर क्वेश्चन या तो परसेंटेज में या रेशियो में पूछा गया होगा। तो हम यहाँ पर ना टोटल छात्रों को 100 मानेंगे, क्योंकि ये जो आपको पाई चार्ट नज़र आ रहा है ना, ये परसेंटेज में रिप्रेजेंटेड है और परसेंट अपने आप में 100% होता है, तो मतलब ये सभी मिलाकर आपको 100 मिलेंगे। अब अगला काम क्या होगा कि जैसे एमएससी में आपको नज़र आ रहा है 25 स्टूडेंट हैं और उनमें पुरुष और महिलाएँ 4:3 में हैं, तो बस आपको बहुत जल्दी से ना इस रेशियो में बांटना है। जैसे 4 और 3 आपको पता है 7 होते हैं और 7 की वैल्यू आपको 25 दे रखी है, तो बस आप 25/7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोलोगे 100/7 और 75/7, ऐसे आपको बांटते हुए चलना है। देखो BSc 3:2 और BSc में टोटल 20 है, तो 3 और 2 की वैल्यू 5 होती है बट बनाना 20 है, तो 20/5 का मतलब है 4 गुना, आप 4 से गुना कर दो। आप बोलोगे कि 4 गुना 3 12 और 4 गुना 2 8, तो ऐसे मैंने देखो आपको बांटते हुए दिखाया है। देखो एक एक स्ट्रीम में मैंने आपको बांट के दिखाया है, आप बहुत आसानी से इनको बांट सकते हो, और अगर कहीं कहीं फ्रैक्शन में जा रहा है ना तो उसको जाने देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है समझते हैं। देखो तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि भाई विश्वविद्यालय में विद्यमान महिला विद्यार्थी की कुल संख्या की तुलना में, मतलब जितनी महिलाएं हैं उनकी तुलना में एमटेक और बीए में जो पुरुष विद्यार्थी है तो उनका प्रतिशत निकालना है, समझते हैं सॉल्यूशन के थ्रू। देखो भाई सबसे पहले हम पुरुष पता करते हैं कि एमटेक और बीए में कितने हैं, तो एमटेक में आपको 13/3 नज़र आ रहे हैं और बीए में आपको नज़र आ रहे हैं देखो 9, जब आप जोड़ोगे दोनों को 9 × 3 = 27 और 13 = 40/3। दूसरा आपको जोड़ना है ये सभी फीमेल्स को, जब सभी फीमेल्स को आप जोड़ोगे तो थोड़ा सा देखो यहाँ से कैलकुलेटिव ज़रूर हो रही है बट किया जा सकता है इसको, जब आप इसको जोड़ोगे तो कुल मिलाकर इतना मिल जाएगा। और अब हमें क्या निकालना है कि 40/3 / 1016/21, हालांकि 1016/21 पलटकर 21/1016 हो जाएगा × 100, कैलकुलेट आप करोगे 27.6%। अगला जो क्वेश्चन था मैं आपको बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन ये था कि जो MBA में टोटल स्टूडेंट्स हैं, आप देख पा रहे हो MBA में टोटल स्टूडेंट्स 12 नज़र आ रहे हैं, तो पूछा था कि किस स्ट्रीम में पुरुषों के बराबर है, तो देखो आपको ये देखना है कि पुरुष 12 कहाँ नज़र आ रहे हैं, आप बोलोगे यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो BSc में पुरुषों के बराबर है ये, बस यही इसका आंसर है। बाकी चलते हैं अगले कॉम्प्रीहेंशन पर। देखो भाई जैसे कि अगला कॉम्प्रीहेंशन आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा फार्मूला हमें दे के रखते हैं, इस फार्मूले को पहले ही मैंने आपको समझाया है कि प्रॉफिट परसेंट का ना देखो फार्मूला दे रखा है। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना कुल आय माइनस कुल निवेश, तो ये तो असल में प्रॉफिट है, और दूसरी बात यह है कि अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ लें तो आप समझ पा रहे हो कुल निवेश से कुल निवेश कट जाता है और हमें इन दोनों को जोड़ने से आय मिल जाती है। इसके बाद सीधा चलते हैं सवाल पर। कहता है कंपनी ए और बी 2009 में, मतलब वर्ष 2009 में कंपनी ए और बी द्वारा निवेशित कुल राशि 24 लाख है, जबकि जो कंपनी बी ने निवेश किया था ना वो ए का आधा किया था, 50% किया था, तो दोनों कंपनियों द्वारा कुल लाभ की मात्रा क्या होगी। तो देखो 2009 में आप कंपनी ए और बी का ना बस प्रॉफिट परसेंट देख लो, और आपको नज़र आ रहा होगा 2009 में ए और बी का इतना इतना प्रॉफिट परसेंट है। बाकी मैं आपको सॉल्यूशन के थ्रू समझाता हूँ। देखो भाई जैसे कि सॉल्यूशन आपके सामने है, वर्ष 2009 में कंपनी ए का इतना परसेंट प्रॉफिट था, कंपनी बी का इतना था, आपको करना क्या है कि इनकी फ्रैक्शंस बनानी है, छोटे से छोटी फ्रैक्शन, 18/25 यहाँ बन रही है, 3/5 यहाँ बन रही है। अच्छा नीचे वाले नंबर ना निवेश है, और बताया था कि कंपनी बी का जो निवेश है भाई वो ए से 50% है यानी आधा है, तो निवेश का ना ये रेशियो बनना चाहिए 2:1। तो मैंने किया क्या, इस 25 को तो मैंने बना दिया 50, उसके लिए आप समझ रहे हो मुझे डबल करना होगा, इन नंबर्स को डबल करने पे देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ अगर मैंने निवेश 50 बना दिया तो 50 का आधा 25 होता है। अब यहाँ मुझे 25 बनाना है, आप बोलोगे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये रेशियो बैलेंस हो चुका है, और ऐसा बैलेंस करने के बाद टोटल यहाँ पर 36/50 और यहाँ 15/25 में से 50 और 25 टोटल निवेश 75 यूनिट है, जबकि देय वो 24 लाख रखा है,
तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। और मैंने आपको बताया था ऊपर वाले नंबर प्रॉफिट को बता रहे हैं, आप दोनों को जोड़ोगे 51 बन रहे हैं। अगर 75 यूनिट की वैल्यू 24 लाख है तो यहाँ से एक यूनिट मिल गया, और इनटू 51 करोगे तो 51 यूनिट की वैल्यू मिल रही है 16.32 लाख। अच्छा अगला सवाल क्या है इस पे देखते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहा है तो कहता है कि वर्ष 2011 में ए और बी कंपनी द्वारा निवेशित राशि की मात्रा एक समान है। अब की बारी हमें निवेश दोनों का बराबर बनाना है और बैलेंस करने के बाद दोनों की इनकम का रेशियो निकालना है। फिर से समझते हैं सॉल्यूशन के थ्रू। देखो भाई वर्ष 2011 में कंपनी ए का प्रॉफिट परसेंट 45 है और कंपनी बी का 40% है। फ्रैक्शन आप बनाओगे तो इतनी इतनी बन जाएगी। अब हमें दोनों के निवेश बराबर करने हैं, और निवेश बराबर करने का मतलब है 20 और 5 को बराबर करना है। दोनों को 20 बना सकते हैं, ये तो ऑलरेडी 20 है ही, यहाँ बस 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना जब ऊपर नीचे, तो इतना बन जाएगा। अब दोनों के निवेश बराबर है तो इनकम जैसे कि मैंने आपको बताया था दोनों को जोड़ने से बनती है, तो यहाँ 29 बन रही है और यहाँ 28, तो अनुपात बनेगा 29:28। बाकी चलते हैं अगले कॉम्प्रिहेंशन पर। देखो भाई जो अगला कॉम्प्रिहेंशन है तो इस पर पूछे गए दोनों ही सवाल गलत है, और मैं आपको अलग ही समझा देता हूँ कि करना क्या था। देखो यहाँ आपको ना निर्यात और आयात दे रखा है, मतलब एक कंपनी का निर्यात और आयात, ये 2008 का है, 2009 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का। और सवाल जो हमसे पूछा गया है वो क्या है कि वर्ष 2009 और 2010 में कंपनी का कुल आयात, देखो आप भी देख पा रहे होंगे 2009 में जो कंपनी का आयात है, आयात मतलब ये येलो ऑरेंज से है जो, तो वो 225 है, और 2010 में ये 300 है, तो आप बोलोगे ये तो 525 बन रहे हैं। अब बस आपको ये देखना है कि किन वर्षों के कुल निर्यात 525 है। और देखो आपको वो नज़र भी आ रहा होगा निर्यात का मतलब ये ब्लू लाइन से है, और कौन से दो नंबर आपका बना रहे हैं 525, तो इन्होंने जो आंसर दिया है ना वो दिया है 2011 और 13, जबकि 2011 में देखो इतना है निर्यात और 13 में इतना है, तो दोनों को जोड़ने से 525 नहीं बन रहा। अब कौन से दो साल में ये निर्यात बन रहा है 525 के बराबर, तो देखो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई 2009 और 2011 के जो निर्यात है ना वो जरूर 525 बना रहे हैं, बट ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए मैंने लिखा है ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। अच्छा इसके बाद भी जो सवाल था देखो उसमें क्या था कि भाई 2008 11 12 का जो औसत निर्यात है, औसत निर्यात मैंने देखो यहाँ निकाल लिया। उसके बाद पूछा गया था ये निर्यात ना कितना परसेंट अधिक है इस निर्यात से, मतलब 2008 10 और 12 के निर्यात से, यहाँ औसत इतना आया जबकि ये औसत तो कम होना चाहिए था और ये ज़्यादा आ रहा है उल्टा, तो इसलिए मैंने लिखा है कि 960/3, मतलब इस निर्यात से, इस वाले निर्यात से ज़्यादा नहीं है उल्टा कम है, तो मतलब हम प्रतिशत निकाल ही नहीं सकते, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी गलत था। बाकी ये पेपर आपका यहाँ फिनिश होता है, और बहुत जल्द अगले पेपर के साथ मिलते हैं, जब तक आप इस पेपर को कंप्लीट करो। थैंक यू।